ओके तो देखिए, मैं ये शेयर करना चाहूंगा, अगर मैं इस पूरी जर्नी की बात करूं तो आई वॉन्टेड टू बी अ डॉक्टर, बट मैं डॉक्टर नहीं बन पाया। उस समय मुझे लगता था कि वो लाइफ का सबसे खराब काम हो गया मेरे साथ, और अभी तो कुछ बचा ही नहीं लाइफ में। बट आज मैं जब अपने आप को देखता हूं तो आई थिंक आई एम सो प्राउड कि आज हम मोर देन 1000 लोगों को, आज हम एटलीस्ट उनको यू नो रोजगार दे पा रहे हैं, वी आर जनरेटिंग द एम्प्लॉयमेंट फॉर देम, तो वी फील प्राउड अबाउट इट। तो अगर मैं ओवरऑल जर्नी की बात करूं तो मुझे लगता है कि लाइफ में कुछ कुछ मूवमेंट ऐसे आते हैं और वहां पे जो डिसीजंस होते हैं वो लाइफ को चेंज कर देते हैं। मुझे आज भी याद है पहली बार जब दुर्ग में हमने रेंट की स्टोर की, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, हमारी जितनी भी स्टोर है ना वो ऐसी ऐसी जगह पे जहां पे लोग बोलते हैं कि यहाँ स्टोर चली नहीं सकती। दुर्ग में हमारी स्मशान के सामने है, दिल्ली राजा की पहली स्टोर वो थी जहां सारे लोग कचरा फेंका करते थे। तो मतलब सारी जगह ऐसी स्टोर है, एंड आई एम टेलिंग यू दैट, और हमारी स्टोर लाइक राइट नाउ इट इज ऑन द टॉप इन एवरीवेयर। तो मुझे आज भी याद है कि दुर्ग का एक डिसीजन हमारा, शायद हमारे अंकल का डिसीजन, वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था। हमारी पहला मॉल हमारे लाइफ का आ रहा था जब हम 1200 1500 2000 स्क्वायर फीट से एकदम से 28000 स्क्वायर फीट फर्स्ट मॉल आ रहा था छत्तीसगढ़ का। मुझे आज भी वो लेटर याद है, करीब करीब 70-80 पेज का वो लेटर था, और उस लेटर पे लिखा था कि अगर आपने ये स्टोर ओपन की, वी डू अ ब्लास्ट, और आपकी पूरी स्टोर खत्म हो जाएगी और आप भी नहीं बचोगे। वो लेटर करीब करीब 70-80 पन्ने का था, 2 दिन पहले हमारे पास आया, वी हैव अ टू ऑप्शन कि हम सब अपनी जान बचाएं और पोस्टपोन कर दें इस ओपनिंग को। उस ओपनिंग में शायद हमारे पास पैसे भी नहीं थे, बहुत जगह से इकट्ठा किया था, सारा कुछ दांव पे था। हमारे अंकल ने सबका इंश्योरेंस कराया, श्री पुरुषोत्तम जी मंत्री जो हमारे लीडर हैं, सबका इंश्योरेंस कराया, एंड वी ओपन दैट स्टोर। एंड कैन यू बिलीव, वो जो निगेटिव पॉइंट था वो सबसे ज्यादा चर्चा में आया, एंड पीपल स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग अस। उस दिन हमारे यहाँ काफी रश था, नहीं तो हमको लग रहा था कि शायद कोई भी नहीं आएगा, हर एक पेपर में कवर किया गया था। तो वेन लाइक जब आप कोई डिसीजन लेते हैं लाइफ में, एंड यू आर रेडी टू टेक स्टेक इन एनीथिंग ऑफ योर लाइफ, यू विल गेट सक्सेस, इट्स श्योर अबाउट इट। लाइफ में कुछ पाना तो रिस्क लेना पड़ेगा एक्चुअली, और बिना रिस्क के कुछ नहीं मिलता। ये तो हो गया सबसे अच्छा एक्सपीरियंस आपका। कोई ऐसा एक्सपीरियंस जब किसी ग्राहक ने आपको कुछ सिखा दिया हो? शायद कोई भी दिन ऐसा नहीं होता होगा जब कोई कस्टमर नहीं सिखाता होगा, क्योंकि जब भी आप कोई काम करते हैं ऑलवेज इंप्रूवमेंट का चांस तो रहता है। तो आई थिंक बहुत सारी चीज, इनफैक्ट अगर आप पूरी स्टोर की बात करें तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो गुरु होता है वो काम ही होता है, और कस्टमर्स ही सिखाते हैं, मतलब नॉट सिंगल, एवरी टाइम वी आर लर्निंग फ्रॉम द कस्टमर। ओके, आपने कहा कि आपको डॉक्टर बनना था और बन आप बिजनेसमैन गए, तो बचपन से लेके जो डॉक्टरी तक की जर्नी थी आपकी, सपने रखी जो बाद में चेंज हो गई, वो कैसे हुई और कैसा लगा उस वक्त में? देखिए, जब आप कुछ बनना चाहते हैं तो यू आर गिविंग योर बेस्ट। मतलब मैं बोलता हूं कि उस जर्नी पे, मतलब मेरी ये लर्निंग रही, मैं सबसे पहले तो मैं डेफिनेटली आई एम पार्ट ऑफ द फैमिली, तो कहीं ना कहीं जब आप किसी फैमिली के पार्ट होते हो तो फैमिली आपको गिरने नहीं देती। तो आई वॉज इन टू द डिप्रेशन कि बस डॉक्टर नहीं बना, कुछ बचा नहीं, बट माई अंकल्स वो देयर कि उन्होंने बोला कि नहीं बस कोई बात नहीं, वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। फिर उन्होंने मुझे स्टोर पे लेके गया, और चूंकि मैं स्टोर पे बैठने लगा तो हमने पहली स्टोर दुर्ग में लाई, तो शायद अगर मैं वापस नहीं आता तो वो होता नहीं। तो आई गॉट दैट कि जो होता है तो वो वैसे ही हो गया मेरे साथ, कि बॉस आई थिंक कि मैं शायद उस लेवल पे मैं था ही नहीं कि मैं उसको क्रॉस कर सकूं। आपने कितने ट्राई किए थे? मैंने 3 ट्राई किया, और उस समय एमपी पीएमटी सीबीएसई सारे कुछ ट्राई किया मैंने, बट उस समय एक बात समझ आ गई कि जब आप फेलियर भी होते हो ना, और अगर आपने बड़े मन से काम किया होता है तो आपके मन में कभी ये नहीं रहता कि बॉस मैंने ट्राई नहीं किया। और मैंने उस समय टाइम पास किया, मैंने अपना 100% दिया, कोई टाइम पास नहीं किया, खूब पढ़ा, तो ये मन में नहीं है कि बॉस मैं शायद कुछ और कर सकता था जो नहीं किया। तो दैट इज द बेस्ट पार्ट, कि अगर आप फेलियर भी होते और बड़े अच्छे से काम किए हो ना, तो मन में कभी आता नहीं कि आप कुछ और किए होते। आई गेस कि जिस चीज को ट्राई ना दो ना, वो मतलब अंदर कहीं रिग्रेट रह जाता है कि यार इसमें काम कुछ ना कुछ करना था लेकिन रह गया है, लेकिन ट्राई करने के बाद फेलियर मिली तो आई गेस वो फेलियर नहीं होता, वो सीख होती है जीवन के लिए, लर्निंग हम लर्निंग जो है हम उससे मिलती है और आगे हम उसी ऊपर चलते हैं। चलिए, एक यहाँ पर बात मेरे दिमाग में आई है कि आप जब दुकान पे बैठने लगे तो हमारी जो इंडियन टिपिकल फैमिलीज हैं उसमें बहुत गलत एक थिंकिंग है कि फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाना मतलब अपने हुनर को छुपाना होता है, यानी कि आप जैसे कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं लेकिन फैमिली बिजनेस के बाद आपको एक नई पहचान मिली। तो जो बच्चे दुकान पे बैठना प्रेफर नहीं करते, फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं लेते, तो उनको लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि आप जो है बहुत सक्सेसफुल है और आपकी फैमिली जो है काफी कह सकते हैं कि काफी खुश है और आप भी काफी खुश है?
देखिए मैं ये बोलूंगा बिल्कुल राइट है कि आजकल के बच्चे चाहते हैं अपना एक सेल्फ हो, एक स्पेस हो उनका, बहुत टोकने वाला कोई ना हो. तो ज्वाइंट फैमिली या फैमिली में ना एक्चुअली इतना गम है और इतनी खुशी है, एंड दे आर लुकिंग फॉर दैट हैप्पीनेस, उनको वो पता ही नहीं है. बट यस आई एम श्योर कि देखिए किसी लकीर को 50 से 100 में ले जाना इज ऑलवेज इजी, बनिस्पत कि आप 0 से चालू करें. जो बच्चे खुद के दम पे सब कुछ करना चाहते हैं वो 0 से स्टार्ट करते हैं, और यहां पर तो बाय डिफॉल्ट सब चीजें सेट है या ऑलरेडी आपका नाम है, उन चीजों को आगे बढ़ाना है. तो स्टार्टिंग में हो सकता है आपको ये लगे कि स्पेस नहीं मिल रहा है, स्टार्टिंग में जब आपको ये लगे कि फैमिली के साथ काम करने में पापा ये बोलते हैं, चाचा ये बोलते हैं, वो इट मे हैपन, बट आफ्टर सम टाइम यू फील कि एक्चुअली दे आर कमिटेड फॉर यू, और वो जो भी बोलते हैं ना आपकी लाइफ को नेक्स्ट लेवल में ले जाने के लिए बोलते हैं. आई वुड लाइक टू गिव मैसेज टू ऑल द पीपल, ऑल द यंग पीपल जो शायद फैमिली के साथ जुड़ना नहीं चाहते, शायद काम करना नहीं चाहते. बॉस आई एम टेलिंग यू कि आप जब फैमिली के साथ जुड़ के काम करेंगे ना, मतलब आपको वो मिलेगा जो आप अपने दम पे कर पाए, आई डाउट ऑन दैट. अच्छा, ये चीज है कि जो बच्चे घर से बाहर निकल जाते हैं कुछ करने की तलाश में, कुछ बन जाएंगे, कुछ पा लेंगे, लेकिन अगर वापस आ जाते हैं फेलियर के बाद, तो घर में भी कहीं ना कहीं उन्हें वो रहता है कि अब क्या करें आगे, तो वापस निकल जाते हैं. मतलब कोई घर से भाग जाता है, कई सारे ऐसे केसेस देखे हम लोगों ने. तो ऐसे बच्चों के लिए क्या कहेंगे कि आगे किस तरह से बढ़ना है, अगर फैमिली बिजनेस नहीं भी करना है तो उनके लिए क्या ऑप्शन है? देखिए बड़ा ये क्वेश्चन तो डिपेंड करेगा कि किसका क्या मूड है, बट आई वुड से कि ना मतलब दिक्कत कहाँ है. अगर आपके पेरेंट्स रेडी टू वो सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं, आपकी फैमिली आपके लिए स्टैंड ले रही है, आप क्यों नहीं लेना चाहते यार. और उनकी कुछ बातें सुन के कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, लेकिन आप एक चीज ध्यान रखिए, मैं ऑलवेज ये बोलता हूं, उस समय आपको लगता है कि वो उस हिसाब से नहीं कर रहे जैसा आप चाहते हैं, या शायद आप जो सोचते हैं और वो जो सोचते हैं उसमें फर्क है, बट कभी आप अंदर से सोच के देखेंगे ना, वो जो भी बोल रहे हैं उनका एक ही उद्देश्य है कि मेरा बेटा या मेरा भतीजा एक्चुअली आगे बढ़े, तो वो एक्चुअली कमिटमेंट से बोल रहे हैं, बट आप उसको कैसे सुनते हैं ये आपके ऊपर है. एक और चीज यहाँ पे बताना चाहूंगी आपको कि जिस तरीके से आपने पूरा बताया अपनी फैमिली के बारे में, काफी कह सकते हैं सपोर्टिव आपकी फैमिली रही है और अभी भी है, और आप जितना खुश दिख रहे हैं उसे साफ समझ में आता है कि आपकी फैमिली बहुत लविंग फैमिली है आपके पास. तो ऐसे में एक फैमिली के अंदर रहना, उसके साथ खुशियां खुशी खुश होके रहना, ये बड़ा आजकल का वो है कि सब रहते साथ में लेकिन लेकिन बिछड़ जाते हैं आपस में. कोई नया अगर नहीं बहू आ गई या नहीं कोई कह सकते हैं सास आ गई, आपस में कहीं ना कहीं रिश्ते बिगड़ जाते हैं. लेकिन आपकी फैमिली का ऐसा क्या है कि आपकी फैमिली अभी भी टुगेदर में रहती, टुगेदरनेस में रह रही है? देखिए सिंपल है, जिस भी ट्रेन पे एक इंजन होगा ना, वो एक दिशा पे जाएगी. जिस पे आप दो तीन इंजन लगा दोगे ना, इश्यूज हैं. जिस भी फैमिली में किसी एक लीडर को, एक लीडर होगा और उस लीडर को लोग ब्लाइंडली फॉलो करेंगे, उस किसी भी फैमिली में दिक्कत नहीं आएगी. दिक्कत वहां है जब मेरे को लगता है मेरे हिसाब से चले, मेरे भाई को लगता है उसके हिसाब से चले, सबको लगता है मेरे हिसाब से चले, वहां पे इश्यूज है. बिल्कुल. अरे चलिए, इतना सब कुछ आपने बताया, अगर यहाँ पे कोई बात आप लोगों से कहना चाहें, कुछ पहुंचाना चाहें, तो कैसे पहुंचाएंगे उन तक, क्या कहना चाहेंगी आज के युवाओं से, आज के समाज से, क्या रहेगी आपकी, आपका मैसेज क्या रहेगा? देखिए मैसेज तो मैं तो यही बोलूंगा कि देखिए अगर मैं अगर कोविड की बात करूं इस टाइम की, कि छोटी सी मतलब हर कोई मैं देखता हूं कि ये टाइम पे जितने युवा हैं, जितने बिजनेसमैन हैं, सारे लोग ये सोच रहे हैं कि बॉस की सरवाइव कैसे करें, अपने एक्सपेंस को कैसे कम करें और कैसे भी करके सरवाइव करें. और कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि बॉस ये इट्स अपॉर्चुनिटी, उनका फोकस इस बात पे कि ये टाइम पे हम नया क्या करें और लीड कैसे करें. तो मैं ये टाइम भी बहुत क्रूशियल पीरियड है, जब बहुत सारे लोग कोविड के कारण थक चुके हैं, बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि बॉस कैसे भी करके हम बच जाएं, दे आर इनटू द सर्वाइवल माइंडसेट. मैं उन लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूं कि ये वो टाइम है जहां पे आप लीडर बन सकते हो, ये वो टाइम है जहां सारे लोग ये सोच रहे हैं कि हम सर्वाइव कैसे करें, ये टाइम पे आप ये सोच सकते हो कि मैं आगे कैसे बढ़ूं, और आपकी एनर्जी आप उन चीजों में लगाओ कि यू विल बी द लीडर. इट्स माई प्रॉमिस कि इस कोविड के बाद आप देखिएगा कुछ लोग बचेंगे जो लीड करेंगे और बाकी सब सर्वाइव ही करते रह जाएंगे. तो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर इच एंड एवरी वन. ओके, थैंक यू सो मच हरीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए. तो ये थे हरीश मंत्री जी, उनसे हमने जाना कि किस तरीके से लाइफ को खुशी जीना चाहिए, साथ ही फैमिली की इंपॉर्टेंस कितनी होती है लाइफ में ये भी हमने जाना. जो लोग अपने परिवार से भागते हैं उनके लिए यही है कि भाई घर में रहो, अपने परिवार के सुनो, क्योंकि उनसे ज्यादा आपका साथ कोई नहीं दे पाएगा. तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, मिलती है, इजाजत, नमस्कार.